अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल जा रही हूँ, बिकॉज आज मेरे अम्मू और अब्बू को कोविड वैक्सीन का सेकंड डोज लगाने की बारी आई है। तो मैं अभी जा रही हूँ, पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। सो यहाँ OPDs भी ओपन है आई थिंक, क्योंकि टिकट काउंटर पे टिकट्स भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, इट्स द फर्स्ट मेडिकल शॉप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीपल ऑफ कारगिल टू मेक क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल। सो इफ यू वांट टू बाय मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस यू कैन कम हियर। COVID-19 वैक्सीन सेफ, सो यहाँ ऊपर वैक्सीनेशन होता है, सो आई एम गोइंग देयर। Oh my gosh, no social distancing, I don't know what they are doing. अभी हम वापस जा रहे घर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम 10 बजे आए थे बट पता नहीं लोग कितने बजे आए थे। तो हमने बारी में लाइन में रखा अपना आधार कार्ड, बट स्टिल हमें लगा बहुत लेट होने वाला है, तो बेहतर ही समझा कि अम्मी मामा के घर जा रहे हैं। एंड अब्बू तो अभी आए नहीं थे घर से, क्योंकि मैंने उनको कहा था पहले मैं देख के आऊँगी जायजा लेके एंड देन आपको लेने आऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं घर। कोविड का आज सेकंड डोज था मेरे पेरेंट्स का, फर्स्ट डोज हमने फर्स्ट डोज 12th मार्च को दिया था। तो देखते हैं अब नमाज पढ़ने के बाद अम्मी और अब्बू आएंगे और मुझे जाना है स्कूल, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं ली है। सो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। चमचिक की गली में से गुजर रही हूँ। या अम्मा नहीं कुलियास के राजा पे सलाम बोल। सो अम्मी जा रही मामा के यहाँ, उनके घर यहाँ है, तो मैं जा रही हूँ स्कूल। बाय बाय, टेक केयर। आपके घर पे भी अगर कोई 45 से अबव है तो कर लीजिए वैक्सीनेशन। अभी मेरे को एक कॉल आ रही है, बाय बाय। अभी मेरे को फिर से हॉस्पिटल आना पड़ा, क्योंकि मैं घर गई थी अब्बू को बोलने कि आप नमाज पढ़ने के बाद आ जाइए, लेकिन जब मैं घर पर गई तो थे नहीं। फिर पूछा तो पता चला कि अब्बू तो हॉस्पिटल के लिए निकले हैं वैक्सीन के लिए। तो मैं भी जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, फिर बीच रास्ते में मिली। अब वापस जा रहे हैं। तो अभी डैड को घर पे छोड़ के फिर से जाना है स्कूल। अब मैं जा रही स्कूल, लालचक से नीचे ही जाऊंगी मैं, डायरेक्ट वैन पकड़ के निकलूंगी मैं।